बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलामुअलैकुम फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन नाजुस किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज जिस रेसिपी के साथ मैं आई हूँ वो है रोस्टेड थाई। आज हम बनाएंगे रोस्ट हुई हुई रान। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि झटपट सही रेसिपी आप तक फौरन पहुँच जाए। हमने यहाँ पर एक थाई पीस लिया है बकरे की, हमने यहाँ पर रान ले ली है, ठीक है। इसके अंदर देखिए मैंने गहरे कट लगा लिए हैं, आप भी जो है इस तरह इसके अंदर जो है वो गहरे कट लगवा लें या खुद आप घर में लगा लें। यहाँ पे हमने दही ली है एक पाव, ठीक है, और ये गेहूँ का आटा हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून लिया है। 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने गोश्त गलाने का पाउडर लिया है। फॉर सेफ्टी हम इसको डालेंगे, वैसे तो गल जाएगा लेकिन फिर भी हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे। हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पे गोश्त गलाने का पाउडर लिया है। गोश्त गलाने का पाउडर अगर आप यूज़ ना करना चाहें तो आप पपीता भी ले सकती हैं सब, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट लिया है, और हमारे पास यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा है 4 टीस्पून। एक छोटी प्याली हमने यहाँ पे विनेगर लिया है सिरका, 2 to 3 टीस्पून हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है। गरम मसाला हम यहाँ पे लेंगे 2 टीस्पून। इसके अलावा ये हमारे 3 मसाले हैं स्पेशल, जिसमें हमारे पास शान का जो है टिक्का मसाला है, सीख कबाब और बिहारी बोटी। हमने सबके जो है वो 4 टेबल स्पून जो है ले लिए हैं क्योंकि हम थोड़ा सा इसको स्पाइसी रखेंगे इसलिए, तो वो हमने मिक्स कर लिया है। और जितने भी हमारे इन्ग्रीडियंट्स हैं हम सब दही के अंदर ऐड कर देंगे सबसे पहले, ताकि हमारी मैरिनेटिंग के लिए जब हम इसको रखेंगे अपने थाई को तो वो इजीली जो है सारे मसाले लग जाएं। तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपने सारे मसाले जो हैं दही के अंदर ऐड कर लेंगे और दही को हम अच्छे से पीस कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड करा, ज़ीरा ऐड करा, हमारे 3 स्पेशल स्पाइसेस, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला हम 2 to 3 टीस्पून हम लेंगे, ठीक है। सिरका हमने, या लेमन जूस हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेमन हम ऊपर से जो है वो लेंगे। हमने इसमें एक प्याली ली, हाँ चले जाओ, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है दही हमारी, इसके अंदर सारे मसाले भी हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम अपने थाई पे हाथों की मदद से जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक एक हिस्से को खोल के पहले आप अंदर भर दें सारे मसाले। एक एक जहाँ आपने कट लगाया है उसको खोल खोल के उसके अंदर जो है मसाले आप ऐड कर दें सबसे पहले, टॉपिंग जो अच्छी सी हो जाएगी। इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर और गेहूँ का आटा ऐड करा है तो वो टॉपिंग के लिए, और ये के फ्लेवर में भी काफ़ी फ़र्क आएगा। और हमारा ये जो पेस्ट है इसके साथ ही लगा रहेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेस्ट अलग हो जाता है, गोश्त हमारा अलग हो जाता है, तो ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। देखिए हमने एक तरफ अच्छा सा जो है वो मसाला लगा दिया है, अब हम इसको टर्न करेंगे और इसके भी जो है हम अंदर तक मसाले जो है वो भर देंगे। जहाँ आपको लग रहा है कि आपको कट की ज़रूरत है लगाने की तो आप लगा सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे भी कट होना चाहिए तो मैं उसको कट करके इसमें मसाला भर दूँगी। हमने पूरा मसाला अच्छे से लगा दिया है, अब हम ऊपर स्लाइटली सा जो है ऑयल करेंगे, हल्का सा ऑयल स्प्रेडिंग हमने कर दिया।
मतलब हम इसको कवर अप करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। हमारे पास शीट है तो उसको शीट से प्लास्टिक शीट से कवर करते हैं और उसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखते हैं। उसको शीट से अच्छे से जो है वो पैक कर दिया है, आप भी इसको अच्छे से ढककर जो है वो ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। अपना थाई पीस देखें प्री हीट ओवन में कर दिया है। इसके साथ हम रख रहे हैं पोटैटो, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है आलू रखा है, एक हमने यहाँ पर शिमला ली है और एक हमने छोटी इसमें प्याज ली है। इसको अब हम रख देंगे 80 मिनट्स के लिए 165 डिग्री के ऊपर, ठीक है। हमारी रोस्टेड प्रॉन बिल्कुल रेडी टू ईट है। पोटैटो हमारे हो गए, अनियन हो गई है, हमारी कैप्सिकम हो गई है, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो चटनी भी भर सकते हैं, चाहें तो लेमन के लिए डेकोरेशन भी कर सकते हैं। उसको खाने में बहुत मज़ा आएगा जब हम उसको खाएंगे।